Assalamu alaikum viewers, my name is Usama and you are watching my YouTube channel Usama Hizr. First of all, हम देखते हैं British Council और AU हैं क्या. AU और British Council दोनों own करता है Cambridge University which is based in UK और दोनों more or less same kind of services offer करती हैं पाकिस्तान में. First of all, हम देखते हैं दोनों में difference क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनमें डिफरेंस है वो एग्जामिनर्स का डिफरेंस है. जो ब्रिटिश काउंसिल के एग्जामिनर्स हैं वो मोस्टली यूके से बिलोंग करते हैं, यूके के रेजिडेंट होते हैं और वो आपको यूके में रह के आपका टेस्ट देखते हैं और आपको आपकी परफॉर्मेंस के मुताबिक आपको मार्क्स देते हैं, आपको बैंड देते हैं. और जो AEO के एग्जामिनर्स हैं वो मोस्टली बिलोंग करते हैं, वो या तो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करेंगे या फिर वो कनाडा से बिलोंग करते हैं, तो वो आपकी परफॉर्मेंस के मुताबिक आपको मार्क्स वगैरह देते हैं. इसके बाद हम डिफरेंस देखते हैं कि इसकी प्राइसेस का, जो ये फ़ी आपसे चार्ज करते हैं. एट द मोमेंट जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त जो इनका जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि सेम है, बट इट कैन वेरी फ्राम प्लेस टू प्लेस, फ्राम सिटी टू सिटी. मैं जो अभी बात करूंगा वो मैं इस्लामाबाद के अकॉर्डिंग बात करूंगा कि इस्लामाबाद में वो कितना चार्ज करते हैं. सो अगर हम देखेंगे पेपर बेस्ड टेस्ट में, पेपर बेस्ड आयल्स में जो AEO है वो आपसे चार्ज करता है राउंड अबाउट 46,400 आपके आयल्स एकेडमिक के लिए, और जो AEO है वो भी राउंड अबाउट 46,400. इतने इनकी फ़ी में इतना कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. मे बी आप अगर डिफरेंट सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपके सिटी के मुताबिक आपकी फ़ी में थोड़ा सा डिफरेंस हो. इसके अलावा एक और डिफरेंस जो हमें आमतौर पे देखने को मिलता है AEO और ब्रिटिश काउंसिल में वो ये है कि जो आपका स्पीकिंग का एग्जामिनर होता है, ये मोस्ट लाइकली है कि जो AEO का एग्जामिनर होगा, जो आप किसी स्पीकिंग का टेस्ट कंडक्ट करेगा, वो कोई पाकिस्तान का लोकल होगा, लाइक वो पाकिस्तान का नेशनल होगा जो आपसे टेस्ट इंग्लिश में कंडक्ट करेगा, लेकिन वो पाकिस्तान से बिलोंग करता होगा और उसके एक्सेंट है जो वो पाकिस्तानी होगा. ऑन द अदर हैंड जब हम ब्रिटिश काउंसिल की तरफ देखें तो उनका जो मोस्टली जो स्पीकिंग एग्जामिनर होता है वो फॉरेनर होता है, जो पाकिस्तान में आया हुआ होता है, और जो आपसे टेस्ट कंडक्ट करेगा वो अपने एक्सेंट में कंडक्ट करेगा, जो उसका इंग्लिश एक्सेंट है, मोस्ट लाइकली वो यूके से होगा और यूके के एक्सेंट में वो आपसे सवाल करेगा. तो ये कुछ लोग समझते हैं और ऐसा है भी कि अगर आपसे कोई ब्रिटिश एक्सेंट में आपसे लाइक कोई बात करे, आपसे कुछ सवाल जवाब करे, आपसे एग्जाम कंडक्ट करे, तो आप लाइक इतना कॉन्फिडेंट होकर नहीं बोल पाएंगे एज कम्पेयर टू अगर वो अगर कोई आपसे पाकिस्तानी लोकल पाकिस्तानी एक्सेंट में आपसे एग्जाम कैरी करे, तो आप ज़्यादा कम्फर्टेबल फील करेंगे. लास्टली हम देखते हैं कि इनकी एक्सेप्टेंस के AEO और ब्रिटिश काउंसिल इनमें ऑन द कोर तो दोनों बिल्कुल सेम है, इतना कोई ज़्यादा ख़ास डिफरेंस नहीं है, लेकिन क्या AEO ज़्यादा एक्सेप्टेबल है या ब्रिटिश काउंसिल एक्सेप्टेबल है? क्या कभी हमें ये देखने को मिल सकता है कि हम किसी यूनिवर्सिटी में जाएं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए जाएं, तो वो हमें बोलें या डिमांड करें हमसे कि हम स्पेसिफिकली आपसे ब्रिटिश काउंसिल का आयर्स चाहते हैं? सो इसका आंसर है नो. आप भले से ब्रिटिश काउंसिल वाला टेस्ट दें या फिर आप AEO वाला टेस्ट दें, ये वर्ल्ड वाइड दोनों एक्सेप्टेबल हैं. ये जस्ट दो एग्जाम टेकिंग बॉडीज़ हैं विच आर बोथ ओन्ड बाय द सेम बॉडी विच इज़ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. सो इन दोनों की एक्सेप्टेंस में कोई भी डिफरेंस नहीं है. आप दोनों में से कोई भी टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं, टेस्ट जो आप कम्फर्टेबल फील करें या फिर जो आप लाइक अपने करीब जो आपके टेस्ट सेंटर हो, तो आप ज़रा इस चीज़ को लेकर रिलक्टेंट ना फील करें कि आपको इधर देना चाहिए ब्रिटिश काउंसिल या फिर AEO. अगर आपको AEO या ब्रिटिश काउंसिल के रिलेटेड मज़ीद कोई चीज़ कन्फ्यूज़ कर रही हो और आपको कोई भी क्यूरी हो इसके रिलेटेड, सो यू कैन कमेंट डाउन इन दिस वीडियो. सो दैट्स इट फॉर द वीडियो. आई होप टू कैच यू इन द नेक्स्ट वन.